Welcome to AFN Coaching YouTube classes. Do you want to crack Polytechnic entrance exam? Do you want to crack lateral entry exam? Or do you want a job? We are here to help you. We provide coaching for Polytechnic admission tests, semester classes for all the branches, lateral entry exam, RRB, SSC, APSC, APDCL coaching for junior engineers. We have the best faculties and great mentors. Every year, different students from different places either crack the entry exams or get the desired jobs with the help of our coaching. So, are you one of them? Yes, you are. So, join us, subscribe to our channel or visit us. Welcome to AFN Coaching YouTube channel. आज का विषय नेरिस्ट और नेरिस्ट का एग्जाम जो अप्रैल महीने के 19-20 तारीख को होने वाला था, वो एग्जाम अब रिवाइज्ड होकर के नया डेट पे आया है। तो एनीवन जो मैट्रिक के बाद जो बच्चे जाते हैं, एनीवन एनी टू जो हाई सेकेंडरी करके जाते हैं या 10+2 करके जाते हैं, और एनी3 जो बच्चे लेटरल एंट्री दे करके वहाँ पे एडमिशन लेने जाते हैं, यानी डिप्लोमा पास स्टूडेंट जो लेटरल एंट्री के थ्रू वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। आज का वीडियो इन लोगों के लिए, और मेनली मेरा उद्देश्य लेटरल एंट्री स्टूडेंट के लिए। एग्जाम डेट एनी1 का संडे अगस्त का 2 तारीख को है, यानी 2/8/2020 को, 2/8/2020, ये एनी1 के लिए। एनी2 यानी जो 10+2 दे करके जाते हैं, और एनी3 मतलब जो डिप्लोमा पास स्टूडेंट है, उनका एग्जाम 1 अगस्त को होगा और सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। तो ये तो रहा आप लोगों का, आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एक नोटिफिकेशन जो नेरिस्ट वालों ने अपलोड किया है, ये 20 तारीख को अपलोड किया है कि नेरिस्ट का एग्जाम कब ये लोग करेंगे। The candidates can download their admit card with effect from 10th of July 2020 from the given websites. दूसरा बिंदु है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करके या कांटेक्ट करके मैं बार बार पूछते हैं कि सर नेरिस्ट का एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो देखिए, सिलेबस ऐसा है, एनी3 का सिलेबस मैं बता रहा हूँ, यानी जो लेटरल एंट्री का सिलेबस है वो मैं बता रहा हूँ। 25 मार्क्स फिजिक्स, 25 मार्क्स केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन मैथ्स, ये हमेशा आते रहता है, और ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, 4 आंसर दिया रहता है, आपको उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना होता है। यानी 1 से 80 तक आपको ईच क्वेश्चन का 1 मार्क्स मिलेगा, 80 के बाद 80 से ब्रांच स्टार्ट होता है, आपका जो भी ब्रांच है वो क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट होगा, यानी 81 से 110 तक आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ एक बात बता दूं कि नेरिस्ट में 30 क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा जो ब्रांच से रिलेटेड रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन काटते हैं। यानी 2 मार्क्स का क्वेश्चन काटने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन रहेगा, जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन काटते हैं। आपका नॉलेज, आपका डेप्थ कितना है सब्जेक्ट के ऊपर, आपका पूरा कंप्लीट नॉलेज निकाल लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपको पता चली गया है इस पैटर्न से कि टोटल मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स का। नैनी थ्री का जो क्वेश्चन है वो 150 मार्क्स का क्वेश्चन काटते हैं। अब उसमें आप अपना ब्रांच चूज कर लीजिए और उस तरह से एग्जाम देने के लिए जाइए। नेरिस्ट के टॉपिक के ऊपर आज का इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन।